हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस रिजल्ट अपडेट के बारे में। आपका आने वाले समय में यूडीसी और असिस्टेंट का रिजल्ट आ सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे 8 फरवरी 2019 को ही नोटिस आया है, नोटिस रिगार्डिंग नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी इन केवीएस। ठीक है, ये नोटिस भी हम लोग पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यूडीसी का आपको इस किस्म का जो नोटिस देखने को मिल रहा है, इसी तरीके का जो एक नोटिस है आपको देखने को मिला था लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, तो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए भी आपको इसी तरीके का नोटिस देखने को मिला था, और जिसके 10 डेज के बाद यानी 10 दिनों के बाद जो है उसका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, यहाँ पे 25 फरवरी 2019 तक आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो नोटिस आया हुआ है 8 फरवरी 2019 को, तो जो रिटर्न टेस्ट हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी वाज कंडक्टेड ऑन 23 फरवरी 2018 ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटर्न टेस्ट एंड कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड बाय केवीएस। कैंडिडेट्स वेयर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड ऑन 13 नवंबर 2018। यानी 13 नवंबर 2018 को जो स्किल टेस्ट कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, बट ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं किए हैं, उनके रिगार्डिंग ये नोटिस है। यहाँ पे लिखा गया है, इन द एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी इट वॉज मेंशन दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन वेयर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कॉपीज ऑफ पीपीओ एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, दिस डॉक्यूमेंट्स वेयर मैंडेटरी टू सबमिट टू केवीएस टू आइडेंटिफाई एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो इसी तरीके का नोटिस आपको देखने को मिला था लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, और जिसके 10 से 12 दिन बाद आपको जो है रिजल्ट देखने को मिला था। तो उसी तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 25th ऑफ फेब तक जो है आपको ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा बाय पोस्ट। ठीक है, जो आपका इन्वेलप होगा वहाँ पे आपको लिखना होगा कैपिटल में रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी, और ये जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस में आपको जो है सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट आपको करना होगा ताकि जल्द से जल्द ये जो है पहुंच पाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एक बार आपको देख लेना है। हम लोग यहाँ पे डेट अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो आ सकता है नेक्स्ट मंथ यानी मार्च के मिडल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, यानी मार्च के सेकंड वीक में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं यूडीसी और असिस्टेंट का रिजल्ट जो है सबसे पहले आने वाला है, और उसके बाद में जो है बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिजल्ट वन बाय वन आने वाले। एलडीसी का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एलडीसी का भी जल्दी आ जाए, क्योंकि सारी पोस्ट का यहाँ पे डिले हो रहा है, बट यहाँ पे यूडीसी और असिस्टेंट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। या अगर हम लोग केवीएस के अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे यानी अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पे 8 फरवरी को देखिए आप कितने सारे नोटिस एक ही दिन में केवीएस लेके आता है। ठीक है, 8th को ये 1 2 3 4 5 6 नोटिस जो है एक ही दिन में केवीएस लेके आता है। ठीक है, या फिर 7th ऑफ फेब को भी नोटिस है, 6th ऑफ फेब को भी है, 5th को आप देखिए कितने सारे नोटिस है, 5th को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नोटिस जो है केवीएस जो है एक दिन में लेके आता है, यानी केवीएस संगठन जो है अभी वर्किंग में है और ये डेली बेसिस पे जो है ये नोटिसेस अपलोड कर रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो 25th ऑफ फेब के बाद, और हम लोग 10 से 12 दिन का यहाँ पे समय देते हैं केवीएस को, और उसके बाद जो है एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा ही हमको देखने को मिला था कुछ लाइब्रेरियन पोस्ट के वक्त। ठीक है, लाइब्रेरियन पोस्ट के वक्त भी काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट नहीं किए थे, बट उनके लिए इसी तरीके का एक नोटिस लाया गया था जिसके 12 से 15 दिन बाद जो है आपको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यूडीसी एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है रिजल्ट हम लोग नेक्स्ट मंथ जो है एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही था गाइस एक छोटा सा वीडियो आपको अपडेट देने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो, और मेरी पर्सनल प्रोफाइल का भी एक फेसबुक पेज बना हुआ है, इसे भी आप जो है लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you very much, guys.